नमस्कार फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल यात्रा विद विशाल पर। फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम उत्तराखंड यात्रा पर निकले हुए हैं और सबसे पहले हम कोटद्वार गए थे, जो मैंने आपको रोड व्लॉग दिखाया था आगरा से कोटद्वार का पिछले व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम कोटद्वार पहुँच गए हैं और आज हम जा रहे हैं सिद्धबली हनुमान जी के दर्शन करने। आपने सुना होगा इस हनुमान धाम के बारे में, बहुत ही पवित्र स्थल है और बहुत ही विशेष स्थान रखता है हनुमान जी के मंदिरों में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नदी है ये को नदी कहलाती है, जिसके किनारे ये मंदिर है, स्थित है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये हम ये नदी का ये जो पुल है ये क्रॉस कर रहे हैं। अब हम इस पार्किंग में पहुँचे हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ये पुल क्रॉस करते ही राइट हैंड पे काफ़ी बड़ी पार्किंग है, जहाँ पे कई सौ गाड़ियाँ खड़ी होने की जगह है, ओपन जगह है बल्कि है, तो इसको पार्किंग बनाया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स आकर के। तो अभी जब दर्शन करेंगे तो सच में बहुत ही आनंद आएगा हनुमान जी के दर्शन करके। तो अभी चलते हैं फ्रेंड्स, गाड़ी पार्क कर दी है और देखिए ये एक मंदिर पार्किंग के पास ही है, एक बहुत ही सुंदर मंदिर। तो अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर की तरफ। फ्रेंड्स, ये मंदिर डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल है और शहर है कोटद्वार। तो बेसिकली इसको गेटवे ऑफ पौड़ी गढ़वाल भी कहा जाता है कोटद्वार को। तो यहीं से जो आगे जो पौड़ी गढ़वाल की जो लोकेशन से वहाँ से यहाँ से ही रास्ता है उसका। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मंदिर के आसपास कितनी सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आपको प्रसाद मिलेगा और खाने पीने की छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। तो काफ़ी एक अच्छा एक सेटअप है यहाँ पे। और प्रसाद के रूप में फ्रेंड्स यहाँ पे गुड़ की जो बेली होती है वो चढ़ाई जाती है और साथ में नारियल चढ़ाया जाता है। आपको जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पे सब वो गुड़ की बेली वाली दुकानें हैं और साथ में नारियल। नारियल कैसे चढ़ाया जाता है वो आगे आप वीडियो में देखिएगा, उसका भी एक अलग तरीका है। तो आगे जब अभी हम मंदिर की तरफ चढ़ेंगे तब पता लगेगा। ये मंदिर लगभग 40 से 50 मीटर की एक पहाड़ी है, उस पर टॉप पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेन एंट्री मंदिर की और हम लोग चल दिए। जय श्री राम। इतना भक्तिमय माहौल है फ्रेंड्स यहाँ पर और हर कोई खुश है हनुमान जी के दर्शन करते हुए जाते हुए। ये देखिए पूरा कवर्ड पाथ है, ये जो स्टेयर्स बनी हुई हैं ये पूरा कवर्ड है। और देखिए नीचे, देखिए नीचे का दृश्य जहाँ से हम लोग अभी आए हैं पार्किंग की तरफ से। और सच में जो पूरा एरिया है इतना ग्रीन है, बहुत ही सुंदर और ग्रीन माहौल है फ्रेंड्स यहाँ पर। थोड़ा मैं आपको मंदिर के बारे में बताऊं फ्रेंड्स कि ये कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तब स्थान से ही होकर के गए थे और तब यहाँ पर एक सिद्ध बाबा रहते थे, उन्हें हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हुई थी और उन्हीं सिद्ध बाबा ने यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा का स्थापित किया था और बाद में इस जगह को और उन्नत किया गया, डेवलप किया गया और एक बड़ी प्रतिमा हनुमान जी की स्थापित की गई। और फ्रेंड्स, इतनी मान्यता है यहाँ पर कि आप कोई भी मुराद, कोई भी मनोकामना लेकर के अपनी यहाँ पर जाएं तो वह पूरी ही होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने बताया था ये गुड़ की बेली यहाँ पर तोड़ी जाती है और नारियल को भी यहीं पर तोड़ा जाता है और उसका जल यहीं पर निकाल दिया जाता है, फिर ऊपर मंदिर में उस नारियल को चढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, सिद्ध बाबा ने यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की, इसलिए इस और बलि, बजरंग बलि को बोलते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम सिद्ध बलि मंदिर पड़ा। और बहुत मान्यता है मित्रों यहाँ पर, ये आकर ही आपको एहसास होगा एक अलग शक्ति, एक अलग जो वातावरण है यहाँ पर वो आपको दिखाई देगा। ये देखिए अब मंदिर पहुँच गए हैं और ये उसका मेन प्रांगण है जो मंदिर के ठीक सामने। अब चलिए अब हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा नहीं कि हिंदू ही आते हैं, यहाँ पर हिंदू, सिख और मुसलमान भी आते हैं और जिसकी जो मनोकामना होती है वो यहाँ पर पूरी होती है।
ये देखिए, ये नीचे का दृश्य कितना ही मनमोहक सुंदर दृश्य है। ये देखिए, ये हनुमान जी की जो मेन मूर्ति है, फ्रेंड्स दर्शन करिए। जय हो सिद्ध बलि हनुमान जी की। तो मित्रों, हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा आनंद आया है, शब्दों में बताना मुश्किल है। आप लोग जब यहाँ आइए तो खुद ये भव्यता और पवित्रता, ये शक्ति महसूस करिए। ये पूरा कैंपस देखिए, यहाँ पर लोग मन्नतें मांगते हैं और ये यहाँ पर धागे बांध के जाते हैं, चुनरी बांध के जाते हैं। ये इसकी यहाँ पर ये परिक्रमा भी एक तरह से होती है इस मंदिर की। ये देखिए, सब लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूरी होने पर वापस खोलते हैं। एक चीज़ और है मित्रों यहाँ पर, कि जो जिसकी भी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ पर भंडारा करवाता है। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि 2025 तक की सारी डेट्स जो है वो ऑलरेडी बुकड हैं भंडारे की। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ की शक्ति का और यहाँ की भव्यता का। ये फ्रेंड्स, ये एक शंकर जी का शिवलिंग है, उसे हम बाद में दर्शन करेंगे। पहले इसको ही क्रॉस करके देखिए, ये एक शनिदेव मंदिर भी है यहाँ पे, बहुत ही भव्य सुंदर शनिदेव मंदिर है। चलिए पहले शनिदेव भगवान के दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद में ये जो शंकर जी का मंदिर है, शिवलिंग है, इस पर जल अर्पण करेंगे। ये प्रांगण है शनिदेव मंदिर का और ये देखिए भगवान शनिदेव जी की मूर्ति है। दर्शन करें आप भी, हमने भी दर्शन करें और भगवान का आशीर्वाद लिया। ये देखिए, और चलिए अब शंकर जी के दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये शिवलिंग है जहाँ पर ये जल चढ़ाते हैं लोग। और ये देखिए, नंदी जी तो विराजमान है ही भोले बाबा के सामने, जल चढ़ा दिया है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं। ये देखिए, ये बाहर का पूरा कैंपस है और जो हम लोग जिस रास्ते से आए थे वो दूसरे पीछे के रास्ते से जाना है। ये देखिए, केदारनाथ भगवान के जो मंदिर है उसकी प्रतिकृति मिल रही है। जय श्री राम फ्रेंड्स। तो अभी आप लोगों ने सिद्ध बलि धाम में हनुमान जी के दर्शन किए, प्रभु के दर्शन किए। सच में बहुत आनंद आया मित्रों, और आप लोग भी जल्दी से यहाँ पर आने का अपना प्रोग्राम बनाएं और दर्शन करें प्रभु श्री राम के, हनुमान जी के। दर्शन हो गए, देखिए एक बार ऊपर भी देखिए, यह है मंदिर पूरा। ये देखिए कितना सुंदर भव्य प्रांगण है मंदिर का। मित्रों, शब्दों में बताना मुश्किल है कि कितना आनंद आया। जी हाँ मित्रों, कितना आनंद आया दर्शन करके। ये तो आप जब खुद आएंगे यहाँ पर दर्शन करने हनुमान जी के, तब आपको इस बात का एहसास होगा। लेकिन सच में जो एक शक्ति है, जो पवित्रता है यहाँ पर, वो एक अद्वितीय है। तो आप लोग जल्द से जल्द अपने बिजी शेड्यूल में से प्रोग्राम बनाएं और हनुमान जी के दर्शन करें। अभी आपने सिद्ध बलि हनुमान जी के दर्शन किए और ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी करिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, अब चलिए चलते हैं। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ तुरंत कर दें ताकि आने वाले उत्तराखंड के ब्लॉग्स आप तुरंत देख पाएँ। तब तक के लिए नमस्कार।